अरे क्या बोले, चुड़ैल ओम। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इनके ब्लॉग देखकर, आता हूँ मैंने इनको सब्सक्राइब किया है, आप भी कर सकते हैं। 50 रुपये आ गए। आज हमारी प्रेजेंटेशन थी, हमने प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई लेकिन बहाने अच्छे अच्छे बना दिए हैं, देखते हैं। मास्क उतार के दिखाएं जरा अपनी स्मार्ट स्मार्ट लुक्स। चलना चाहिए, स्मार्ट लोग हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, ये व्लॉग मेरा बहुत टाइम बाद अब आएगा, एंड आई वॉज ऑन अ ब्रेक बिकॉज ऑफ नो रीज़न। बस मैं बना नहीं रही थी क्योंकि एक ब्रेक लग गया, एंड उसके बाद थोड़ा कम बैक में टाइम लग रहा था कि यार अब बनाते हैं। तो फाइनली हम आज बनाएंगे। अभी हम कॉलेज जाएंगे और हम ऑटो में, जैसे मुझे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। That's true. So pro tip, if you're ever coming to LP, have your own vehicle. The pro tip हम खुद नहीं apply करते। As you are you so disappointed by this world? Because I am disappointed. World is also disappointed with you. It is true. It is true. तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, एलबीयू पहुंचने के लिए हमें ये सारी टूटी फूटी सड़कों को क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसका हमारे पास ना तो कोई अल्टरनेटिव है ना ही कोई कुछ करना चाहता है। सो यही हमारे पास ऑप्शन और कुछ नहीं। तो हम एलबीयू पहुंच गए। ये खुशी नहीं है हमें। Actually, I'm thinking कि आज मैं करने क्या वाली हूँ, like what is my day gonna be like? And I am not at all thinking कि मैं करने क्या वाली हूँ, बस मैं जा रही हूँ। Actually, I also have to work on something. Currently, a new project. Dana guard and our finger. तो हमें पूर्णिमा डेमो देंगी कि आजकल हम LP में कैसे इंटर करते हैं। Like. Me too. हम आपको नज़ारे दिखाने वाले थे लेकिन इन दोनों की क्लास है तो इन लोगों को भागना पड़ेगा। एक और प्रो टिप, बी हेल्दी सो दैट यू कैन रन फॉर योर क्लासेस, डोंट बी अ चबी पर्सन लाइक मी। और क्या ये एक ताना मेरी तरफ भी था, क्योंकि मैं कितना भी लेट हो जाऊँ मैं भाग नहीं सकती। नहीं देनी मत दो, मैं नहीं पूछने वाली। तो ये अटेंडेंस की बात चल रही थी। हाँ बेसिकली अटेंडेंस बहुत जल्दी कटती है, जल्दी चल रहा हूं क्योंकि मेरे को फ्रूट्स खाने। ठीक है ठीक है, मैं मामास की हेल्दी लोग। अगर तू जल्दी पहुंच जाएगा जस्ट टेल मैम पूर्णिमा आ रही है, उसकी अटेंडेंस नहीं कटनी चाहिए। तो अब हम इन दोनों को अलविदा कहते हैं एंड कहीं और चलते हैं। कुछ नहीं हो जाता, बाय 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 सुनू, अब जल्दी चलने मैं इधर जाऊंगी। तो सर जा रही है ये, सर से जा, चल बाय बाय। अभी हम चलते हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे एंड बढ़िया, मतलब जो मतलब फूड आउटलेट मुझे बहुत पसंद है, एंड अप्रॉक्स 70-80% ऑफ स्टूडेंट्स ना यहीं पे आते हैं खाना खाने के लिए बिकॉज ऑफ क्वालिटी आल्सो, एंड ये काफ़ी फेमस आउटलेट है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। सी सी साइड, ऐसी जगह इसी नाम से फेमस है। सो एंटरिंग इट, सबसे फर्स्ट आप दूर देख रहे हैं बेल्जियन वफल, सुपर द अमेजिंग, एंड कपलेट चाय के लिए सबसे फेमस, एंड एक नाम तो आपने सुना ही होगा, आपको दिखाते हैं इज नॉट नेसेसरी चाय सुपर, तो सबने बहुत सुना है इसका। मैं बहुत अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं यहाँ पर भी खाए जा सकते हैं, एंड पर्सनली मैं थोड़ा हेल्दी खाना कभी कभी पसंद करती हूँ। मतलब सुबह का आई एम फिक्स हैविंग पराठा, तो उसके लिए मेरी फेवरेट जगह है कैट बाउल्स। हेलो, पराठा लेके चलते हैं यहाँ से। तो हम खाना खा चुके हैं, अब फिर निकलते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। आपको रास्ते में मैं व्यूज़ दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले तो ये आया है स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड
फार्मेसी कमरा के जिससे मेरा दूध एंड हेयर कम्स ट्रेसर, यहाँ पे काफ़ी शूज़ वगैरह मिलते हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। पता नहीं क्यों एक दो बार मैंने ऐसे शॉपिंग करी लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ माई चॉइस। यहाँ बहुत बार सेल्स लगती रहती है चीज़ें, ये जो मेरे सामने ब्लॉग आ रहा है इस गर्ल्स हॉस्टल वन। गर्ल्स हॉस्टल वन के बारे में बताने का मेरा इरादा ये था कि इफ़ अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए या ऐसा कोई भी सामान जो यूनिवर्सिटी के अंदर गुमा है तो यू कैन कम एंड कम्प्लेन अबाउट इट हियर, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल वन में यहाँ सिक्योरिटी ऑफिस भी है। आई विल मेक यू सी, एज यू कैन सी हियर जो डोर ओपन सा दिख रहा है इट्स सिक्योरिटी ऑफिस। तो अगर आपकी कभी भी कोई चीज़ गुम हो जाए, चांस है कि अगर यहाँ पे किसी गार्ड को या किसी को मिली है तो वो हो सकता है कि वो यहाँ पे हो, सो यू कैन ट्राई। दैट्स इट, चलते हैं फिर आगे अपने ब्लॉग की तरफ। जो ये फूड आउटलेट आप देख रहे हैं एलिस मोमोज किचन, इसकी प्रमोशन करते हुए अगर आप घर का खाना खाना पसंद करते हैं और आपको बाहर का खाना खाना नहीं पसंद है, हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, तो आपके लिए है बेस्ट ऑप्शन फॉर लंच मोमोज किचन। मतलब एक्चुअली मैं भी यहीं से खाना खाती हूँ, मतलब इफ़ मुझे लगता है कि यहाँ पे खाना हेल्दी होता है बिकॉज़ यहाँ पे एक्चुअली जो मम्मा किचन पे मम्मा ही खाना बनाती हैं, जो यहाँ के ओनर है ना उनकी जो मम्मा है वो कुक करती हैं। आपको उनसे दिखाऊंगी भी, अगर आज मैं लंच करने आऊँगी तो आई मेक यू सी हर। तो खाना काफ़ी टेस्टी होता है, तो इफ़ आप 18 ब्लॉक 19 2021 इस वाली साइड के हैं तो यू कैन कम हियर एंड हैव लंच। चलते हैं वहाँ आगे। ऑलमोस्ट मेरे ब्लॉग पहुँच गए हैं एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइड ठीक है यहाँ पे भी खाना, बट आई डोंट फाइंड इट हेल्दी और स्नैक्स थिंग्स और अदर यू कैन गो हियर एज पर योर चॉइस। लेट्स गो। तो हम पहुँच गए हैं हमारे डिपार्टमेंट। गुड मॉर्निंग मैम। एक घंटे की वेट हम कर चुके हैं और अब है हमारी क्लास। शोर कम करो, मेरी आवाज नहीं जाएगी वहाँ पे। मनहर्जी नहीं आया तो ये भी ये बहाना बनाने में। हाँ, आज हमारी प्रेजेंटेशन थी, हमने प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई लेकिन बहाने अच्छे अच्छे बना दिए हैं, देखते हैं मजा। हम ऐसा कहेंगे, मैं कहूँगा ना सुनंदन के दांत खराब है। फिर से मिल चुकी है ये डालना ब्लॉग में। एक छपरी दूसरे छपरी को मिलते हैं। ये ब्लॉग में डालना चाहिए। हेलो, ये भी कोई है, मैं नाम भूली। गगनदीप मैम बैक विद व्लॉग। आप तो हमारी थ्योरी क्लास होने वाली थी एंड ये हमारी टीचर नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट हैं। वेलकम टू श्रुतिज व्लॉग। नाइस स्नीकर्स नहीं लिए, दिखा देना एक बार, देख लीजिए। लव इट। लुधियाना से लिया मैंने। वेलकम टू द थ्योरी क्लास। फॉर आज आप क्या पढ़ाएंगे हमें? सुपर निकलने वाली हूँ, अब हम पढ़ेंगे तो बाय बाय। तो अब हम आपको अपने क्लास के सबसे शानदार विद्यार्थी से मिलाएंगे जो कि कर ले बात यार, क्या हो गया, शर्माते नहीं होते रुपेश। कर ले यार बात। इधर देखो रुपेश, ये हमारे देवता शादीशुदा है। आपने सही सुना है, ये शादीशुदा है। एक्चुअली रुक जाए यार, रुपेश इंट्रो दे रही हूँ। गॉड ब्लेस हिम।
यार यही यही वो शख्स है अच्छे के भाग रहे अच्छे भले शादी शुदा इंसान को जी है हमें इनसे हम धरती है क्या कह रहे थे ना अच्छे भले बंदे की शादी हुई है अब क्या चाहती है तू मैं उनकी बर्बादी बस रही हूं तो जब तेरी शादी होगी वो तेरी बर्बादी पे वो सामने वाले की बर्बादी होगी तो दोनों के सामने सामने बर्बादी होते हुए तुझे अच्छा लगेगा हां ये बात हुई तो गॉड ब्लेस यू तुम भी जल्दी बर्बाद हो मुझे नहीं, काम नहीं, ये वाली ना दो मेरे को मिलते हैं तो ये जो है ये भी हमारी एक भौड़ जाई है तो मीट साक्षी साक्षी मीट माय पीपल हाय आप भी आ सकते हैं ठीक है ये भी हमारे फर्स्ट ईयर के एक साथी हैं ठीक है सत श्रीकाल ओ कंटेंट रमन व्लॉग्स हमने फिर से शुरू कर दिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको आपका कॉल आ कॉल को छोड़ो आप इनको क्या कहना चाहेंगे जीते रहो और जीते रहो लाइफ इज ब्यूटीफुल यस तो हम जीने जाते हैं मैम यस तो अभी यहाँ पे कुछ बैंड का चल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ वन वर्ल्ड की प्रैक्टिस करते हुए हमारे प्यारे प्यारे ओम कुछ ऐसे हुए अरे क्या बोले चुड़ैल ओम और चीजें दिखाते हैं वन वर्ल्ड की प्रैक्टिस करते हैं हमारे दो प्यारे प्यारे लोग कुछ इस प्रकार हो गए एक तो टेढ़ा ही हो चुका है बेचारा पता नहीं से क्या हो गया तो वन वर्ल्ड में सबका दिमाग खराब हो चुका है अरे एक ये हमारे धूल्ले साहब आ भी पहले ओए तूने गाना लगाया था ना दूल्हे का शहर सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है हम पागल हो चुके हैं चलो अभी चलते हैं तो कल वन वर्ल्ड के लिए हमें सुबह 8 बजे बुलाया है और इससे मेरी मौत हो रही है माहौल चल रहा है सब लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं वेले घूम रहे हैं हमारे पास कोई ऑप्शन है कहाँ धक्के खाने जाएंगे हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे जाके शाहरुख खान का गाना बड़ा सूट करता है पूरी यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह से फन सो गाइस ये है माहौल डीसी का आज खाली है अदरवाइज बहुत भरा होता है बस हमने देखा तो हमारे तो खाली हो गया बाकी हम इतने बोरिंग है कि हमको देख के सारे लोग भाग हम बोरिंग नहीं है लोग हमारे लिए कुछ ज्यादा वो है हैपनिंग आज का दिन नहीं गंदा चल रहा बाकी क्यूट तो है हम दोनों मतलब मैं चलो ना बोरिंग दिन मेरा कभी नहीं गया जितना आज गया पूरी नो बेबी डॉल क्योंकि मैं नहीं ना था तेरे साथ बोरिंग जाएगा पूरी यूनिवर्सिटी में वन वर्ल्ड चल रहा था डिपार्टमेंट में वन वर्ल्ड ऐसे वन वर्ल्ड एवरीवेयर जस्ट वन वर्ल्ड आई डोंट नो कि इतनी हाइप क्यों है वन वर्ल्ड बाकी एक और व्लॉग हम बनाएंगे क्योंकि कल है फाइनली वन वर्ल्ड तो उसमें क्या होता है नहीं कल है कल सुबह बुलाया तो कल क्या होता है क्या नहीं है हम अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे और कल 9 बजे भी आना पड़ेगा क्लास 8 बजे तुझे मुझे थोड़ी आना पड़ेगा सबको पूरे डिपार्टमेंट को यो ऐसा क्या है वन वर्ल्ड तो हम तो गयो आज कॉलेज में माहौल बहुत अच्छा है मौसम बहुत अच्छा है सुहा माहौल अच्छा है खराब हुआ पड़ा वन वर्ल्ड चली जा रहा खिंच मची पड़ी है मौसम बहुत अच्छा है कितना वन वर्ल्ड करे लड़के समझ रहे हैं कि मौसम कौन सा अच्छा आज लड़कियां भी समझ रही है बेटा हम लड़कियों को भी सब पता रहता है गाइस जो लोग भी चाह रहे हैं ना एलबीयू में आना मैं कह रहा हूं आ जाओ बहुत अच्छा मौसम है रोज होता है बड़ा अच्छा मौसम वाहियात मौसम रहता है हां यहां कदम कदम पर लाखों हसीना है दिखा तो सही यार हसीना है दिखे तो सही इसको मत देखना बस ये नहीं है इसके अलावा सारी हसीना है
तो दाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका लवप्रीत सिंह और आज हम वन वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं जो कि नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें एंड को मेरे को गोली लगेगी और फिर मैं उठ के फांसी भी लूँगा खुद एज अ भगत सिंह रो। हर जगह वन वर्ल्ड ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। और भूख लगी है यार, कुछ मिल जाए तो लेट्स सी व्हाट मिलता है, व्हाट हैपन एंड व्हाट सी लाइक हैव इट। अभी हम हैं यूनिमॉल में, कुछ मिला था नहीं, छुट्टी का व्लॉग बना रहे हैं। हां, और ये लगा हुआ है भोल जाए के साथ जिसको हमने आपको मिलाया था स्टार्टिंग में। कैसे ऑर्डर देते हैं जी, कीजिए प्लीज। क्या हम कुछ और बात करें? भाई के दाम ये हमारे अमीर जादे हैं। मांग के डाली किससे? दादे अमीर जादे। सो मेरा वेरी वेरी बोरिंग डे ऐसे ही खत्म हो गया। सिर्फ वन वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिसेस देखते हुए अफसोस। आई होप कल वन वर्ल्ड फाइनली अच्छा हो ताकि मुझे मेरा आज का दिन थोड़ा सा वर्थ इट लग जाए। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।